तो आज की इस वीडियो में हम एक शंख का क्लिप आर्ट बनाना सीख लेते हैं। जैसा कि हमें कमेंट मिला था जय सिंह दुर्गा की तरफ से कि शंख कोरल ड्रा में कैसे बनाएं, प्लीज बताइए। तो देखिए भाई, शंख को बनाने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आप अपने माइंड से खुद ड्रा कर लें, या फिर आप शंख का एक इमेज लें और उसके हिसाब से आप ड्रा करिए। तो दूसरा वाला काफ़ी ज़्यादा ईजी है, तो हम वही करेंगे। यहाँ पर हमने गूगल से एक शंख का इमेज ले लिया है और इसको हम राइट क्लिक करके लॉक कर देंगे ताकि ये इधर उधर ना जाए, और अब हम इस पर ड्रा करेंगे। ड्रा करने के लिए हम यहाँ से बीजे टूल का इस्तेमाल करेंगे। आप जो चाहें वो टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। बीजे टूल का मतलब ये है कि इसको इस्तेमाल करने के लिए आप नोड को देखिए, जहाँ जहाँ आपको कोना लग रहा है वहाँ वहाँ आपको सेलेक्ट करना है, फिर बाद में हम इसको सही कर लेंगे कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ से घुमाए हम यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ, और उसके बाद यहाँ, फिर यहाँ लाते हैं यहाँ, और इसको हमने यहाँ पे घेर दिया। ये हो गया हमारा आउटलाइन पूरा बाहर वाला। आउटलाइन को थोड़ा सा मोटा कर देंगे ताकि दिखे। शेप टूल पर आएंगे और अब इसको शेप देंगे, तो इस पर राइट क्लिक करते हैं, टू कर्व, और यहाँ से खींच के यहाँ, इसी तरीके से इसको भी टू कर्व और इस तरीके से यहाँ। तो अब जो बाहर वाला हिस्सा है, आप शेप टूल के ज़रिए उसको बिल्कुल आसानी के साथ पहले बना लीजिए। राइट क्लिक करके टू कर्व कर लीजिए और उसका जहाँ जगह है उसको लेके आप चले जाइए कुछ इस तरीके से। ये देखिए ज़्यादा हो गया, तो आप इस पर क्लिक करिए और ये वाला हिस्सा इधर कर दीजिए। अब इधर का बच रहा है तो इसको थोड़ा सा इधर। तो ये बाहर वाला हिस्सा तो हमारा तैयार हो गया, अब हमको अंदर वाला करना है, तो उसको भी हम बीजे टूल से ही करेंगे। इन तीनों को भी सिलेक्ट करके आउटलाइन हम मोटा कर लेंगे यहाँ से, और शेप टूल पर आके इसको भी जिस शेप में हमको चाहिए उस शेप में कर लेंगे। ये भी हो गया हमारा। अब ये वाला जो हिस्सा है हम इसको ड्रा करते हैं, तो इसके लिए भी हम बीजियर टूल का ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करेंगे और फिर हम यहाँ सेलेक्ट करके एक यहाँ कर देते हैं। आउटलाइन इसका भी हम मोटा कर लेते हैं। शेप टूल पर आएंगे, राइट क्लिक, टू कर्व, और इसको कुछ इस तरीके से इसके अंदर, और इस वाले पर राइट क्लिक करके टू कर्व, और इसको इसके अंदर जहाँ पे हमको दिख रहा है इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, ये ख़त्म हो जाए। ये तो हमारा हो गया, लेकिन एक बार बाहर करके इसको देखें क्या ये शंख दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो आप देखिए हमारा यहाँ पे बन गया है, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत हमको इसमें काम करना पड़ेगा। इसको हम डिलीट करते हैं और ये वाला जो हिस्सा है ना इसको थोड़ा सा हम स्मूथ करेंगे, डबल क्लिक कर देते हैं, ठीक। अब इसके अंदर ये जो शेप है हम इसको भी बनाएंगे, तो इसके लिए भी हम बीजे टूल इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ से एक यहाँ तक, और ये सब जो है इसको भी यहाँ से यहाँ, जैसे जैसे आपको दिख रहा है आप अपने हिसाब से उस तरीके से इसको कर लीजिए। और इन सबको भी सिलेक्ट करके आउटलाइन मोटा कर लेते हैं और फिर इनको मोड़ देते हैं। एक ही चीज़ बार बार करना है, अब बस कहाँ करना है, किस तरीके से करना है, हमें ये देखना है। तो यहाँ तक हमने बना लिया, अब इसको एक बार हम बाहर करके देखते हैं कि कैसा बना है। अब हमारा ये बिल्कुल थोड़ा सा पहले के मुकाबले अच्छा दिख रहा है और लग रहा है कि हाँ ये शंख बना हुआ है। इसमें अब थोड़ा बहुत आप चाहें तो स्मूथिंग और कर सकते हैं, और डिटेल डालना चाहें तो अभी इसमें आप बहुत सारा डिटेल डाल सकते हैं। तो यहाँ से पहले स्मूथ करते हैं इसको और इसमें डिटेल डालेंगे। उससे पहले इसकी ये कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि अगर ये ख़राब हो जाए तो वो हमारा पड़ा रहे। डिटेल डालने के लिए हम टू पॉइंट लाइन का इस्तेमाल करेंगे, यानी इसमें भी हम लाइन ही खींचेंगे थोड़ा बहुत, बस और कोई काम हमको करना नहीं है। तो यहाँ से एक लाइन हम यहाँ खींच देते हैं, उसी तरीके से यहाँ, और इन सबको भी हम कर्व करेंगे जिस तरीके से बाहर वाला हमारा शेप है उसी तरीके से, ताकि ये लगे कि हाँ उसके अंदर पड़ा हुआ है। याद रहे ये डिटेलिंग है। अब हम जो शंख का इमेज लिए थे उसमें तो हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन हम अब बना रहे हैं तो कम से कम ऐसा बने कि देखने में अच्छा लगे। इन सब का भी
आउटलाइन थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे बाहर से सिलेक्ट करके, बिल्कुल थोड़ा सा, बाहर वाला जितना है उतना नहीं करेंगे। सही है। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा हम ब्लैक कलर का गोला फिल कर देते हैं, देखें कैसा लगता है। ये बिल्कुल मैन्युअली है, ठीक है। अब हम लोग को ट्राई करना है कि हम इसको कितना ज़्यादा डेकोरेट कर सकते हैं ताकि ये देखने में लगे कि हाँ भाई इस पे मेहनत हुआ है और अच्छा बना है। तो कुछ इस तरीके से। अब आप देखिए, ये वाला पहला है हमारा और ये वाला हमारा दूसरा है, तो पहले वाले के मुकाबले दूसरा कितना बेहतरीन लग रहा है। इसी तरीके से हम अभी इसमें जितना मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा ये खूबसूरत हमारा होता चला जाएगा। ये जो हिस्सा है इसको भी थोड़ा सा हम डार्क करें, यहाँ पे भरेंगे, एक कलर पहले भरते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। बेजियर टूल ही लेंगे और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर और फिर से एक यहाँ और एक यहाँ, शेप टूल पर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, टू कर्व और इसको यहाँ पर, बाकी ये जहाँ है वहीं रहेगा। इसको ब्लैक ब्लैक फिल कर देंगे, आउटलाइन इसका हटा देंगे। हाँ ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा और अंदर की तरफ हम खींचेंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। अब सही लग रहा है, यहाँ पे भी चाहें तो एक दो लाइन खींच देंगे तो अच्छा लगने लगेगा, या फिर ये जो गोला हमने डाला था वही डाल देते हैं, क्या करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बना लिया एक शंख का क्लिप आर्ट। अब अगर आप इसको कहीं यूज़ करना चाहें स्किन पेंटिंग के लिए तो बिल्कुल आराम से कर सकते हैं और ये प्रिंटिंग में आपका आ भी जाएगा। तो हमको तो शंख कहीं नहीं प्रिंट करना है, हाँ हम वेडिंग कार्ड डिज़ाइन बनाते हैं तो उसके लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, शायद जहाँ हम संघ लिखते हैं वहाँ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बीच में हम यहाँ पर संघ लिख देते हैं और जहाँ लड़का लड़की का ऊपर ऊपर और नीचे नाम लिखेंगे बीच में इसको ही डाल देंगे। तो यहाँ पे हम संग लिख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे संग भी लिख दिया और हमारा संग क्लिप आर्ट तैयार भी हो गया। अब यहाँ पे भी हम थोड़ा सा शैडो दे देते हैं ताकि देखने में हमको अच्छा लगे। फिर उसके बाद हमारा ये जो डिज़ाइन है वो हो गया बिल्कुल फाइनल। यहाँ पे हमारा संग क्लिप आर्ट फाइनल हो चुका है। मैं इसका PNG इमेज techpng.com पे डाल दूंगा, आप वहाँ से PNG में डाउनलोड कर सकते हैं और अगर CDR चाहिए तो trbahadurpur.com पे भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इसका CDR डाउनलोड कर सकते हैं। और आपने देख लिया कि मैंने इसको किस तरीके से बनाया है। आप भी गूगल से कोई इमेज लीजिए और उसका क्लिप आर्ट बना के मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर टैग करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।